हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना प्रदेश प्रमुख और बाबरी मस्जिद विध्वंस के प्रेरणा स्रोत, जिनके सहयोग व अथक प्रयासों से रात दिन एक करके संघर्षों को नई प्रणित देकर बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंसीकरण को संभव बनाया जा सका। भाई संतोष दुबे जी, हम इनसे आज जानेंगे कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में प्रमुख भूमिका में उनका क्या योगदान है और किसके और कितने प्रयासों के बाद बाबरी मस्जिद का विध्वंस संभव हो सका। क्या यह एक राजनीतिक मुद्दा था या किसी वैचारिक समर्थन और सहयोग की भावना के साथ संतोष दुबे के द्वारा किया गया कार्य था, कार्य की शुरुआत थी। हम जानते हैं शिवसेना प्रदेश प्रमुख भाई संतोष दुबे से बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में। याद करता हूँ, तकलीफ होती है कि आज वो होते, उससे दुखद है कि आज सरकारों ने उन कार्यकर्ताओं को भुला दिया। उनके नाम पर कोई गली मोहल्ला चौराहा नहीं है। वो कोई चौराहा बनेगा तो वो लता मंगेशकर के नाम से हो जाएगा। क्या मतलब है लता मंगेशकर का इस आंदोलन से क्या मतलब था? वो जिस मोहल्ले के वासुदेव थे उसी मोहल्ले में लता मंगेशकर चौराहा बना दिया गया। वासुदेव के परिवार पर क्या गुजरती होगी? तो ये 2 नंबर की जो घटना हुई उसमें 4 गोलियां लगी थी मुझे। आपको भी? जी, मैं शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी 30 अक्टूबर को मुझसे ढांचे पर ही परिचित हुए थे। क्या अद्भुत संयोग था। और वो मेरे साथ ही थे। वो 3 दिन का जो काम था, जीत था उन सबों का, वो हमारे साथ देवराम दास वेदांती जी के यहाँ हम लोग साथ रहे हैं। बड़ा प्रेम उन भाइयों से इसलिए हो गया था कि वो एक ही पत्तल में दोनों भाइयों ने खिचड़ी खाई थी। पहली मुलाकात और इस तरह का विचार, शहर में कर्फ्यू लगा हो, जाने आने की कोई व्यवस्था न हो, और उन लोगों ने जब कहा हम एक ही पत्तल लगाइए महाराज जी, हम एक पत्तल में खाएंगे, तो बड़ा वो प्रेम देखकर मन गदगद हो गया और त्रेता युग याद आने लगा। लेकिन वो 2 दिन हम लोग 3 दिन साथ रहे और 3रे दिन वो 2 नंबर की घटना हो गई, जिसमें उनको बचाने के लिए मैं भी दौड़ा तो मुझे भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तो इस घटना के बाद 6 दिसंबर की जो चर्चा आती है वो इसी घटना से आती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में है कि उस दिन गोली कांड न होता, हम लोगों में जुनून ना था। अच्छा, ये घटना 6 दिसंबर की है जब आपको गोली लगी? नहीं नहीं, 2 नवंबर 90 की। 2 नवंबर 90 की जी। और वहाँ फिर जब हम लोग ठीक ठाक हुए तो महाराज जी इस पूरे आंदोलन के एक प्रणेता थे, लोग उनको नारद जी कहते थे, कोई वो ब्रह्मचारी जी कहते थे, बड़े दिव्य संत थे। वो अब वो कौन थे भगवान जाने, पर वो सरयू तट पर ही मिलते, अपना कोई अता पता नहीं, कोई रहने का स्थान नहीं, और जब भी किसी काम के लिए पैसे देते तो करेंसी नोट देते थे, एकदम लगता था अभी भी जैसे अभी बैंक से निकला हो, करेंसी नोट होती थी। हाथ पीछे ले जाते, ये 10,000 रुपये रखो, इसका ये मंगवा लेना, वो मंगवा लेना, ये काम वो काम बताते चले जाते। और बहुत सुंदर थे, 86 से लेकर और 2019 तक मैंने उनको एक ही रूप में देखा, वो इतने दिव्य थे। वो कौन थे भगवान जाने कौन थे, तो उन्होंने ही प्रेरणा दी कि 5,000 लोगों की टीम बनाओ, अन्यथा रोज गोली लाठी खाओगे और धीरे धीरे सब मिट जाओगे। तो 5,000 लोगों को बनाने के लिए कोई एक रास्ता चाहिए। मैं उन दिनों शिवसेना का पूर्वांचल का प्रमुख था, तो ये था कि जो शिवसेना के बहुत सारे लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, एक बलिदानी जत्था तैयार किया जाए। तो ऐसे लोगों को तैयार किया जाने लगा, फार्म बनवाया गया, उस पर लिखा था कि क्या आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद ढहानी पड़ेगी, यदि ढहाएंगे तो जान भी जानी जाएगी, यदि हाँ तो रक्त से हस्ताक्षर करिए या अंगूठा लगाइए। तो इसको लोग पढ़ते और खुशी से, और जो डरपोक लोग होते थे वो कहते थे अरे साहब इसकी क्या जरूरत, हम भी तो राम भक्त हैं। लेकिन जो काम करने वाले होते थे वो तुरंत घर में जाते, ब्लेड लाते, छुरा लाते, जो लाते
अंगूठा फाड़ देते और हस्ताक्षर करने के बजाय सीधे अंगूठा लगा देते थे। तो इस तरह 5,000 फॉर्म भरे गए और 1.5 साल लगा, लगभग नियर अबाउट 1.5 साल इसमें लगे। 1.5 साल बाद जब ये सब पूर्ण हो गया तो महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी ये कार्य तो पूर्ण हो चुका है, अब ढांचे को तोड़ने के लिए इतने लोग जब आएंगे तो उनको शस्त्र चाहिए, कैसे तोड़ेंगे हम, आखिर तो कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, जय प्रभु कीन शेर ते दूना उनके भवन अभय का सुना, जिन्होंने इतना बड़ा काम तुमसे करवा लिया वो उतना बड़ा ही काम करा देंगे, तुम्हारे पास एक आदमी आएगा वो सब तुम्हें उपलब्ध करा देगा, किसी से मिलाएगा वो सब हो जाएगा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी 6 दिसंबर को अयोध्या में प्रस्तावित कार सेवा होगी। अशोक सिंघल जी कभी दिल्ली से, कभी लखनऊ से, तो कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाता सम्मेलन में ये कहते थे अब 6 दिसंबर को आर पार की लड़ाई होगी। हम लोगों को यही चाहिए था कि ये घोषणा करें तो हम अपना काम आरंभ करें। हाँ, तो उन्होंने घोषणा की, हम लोगों ने वो 15 बजे का पोस्ट कार्ड आता था उस पर चिट्ठी लिखी, 5,000 सभी लोगों के एड्रेस थे, उनको चिट्ठी पहुंच गई, सबको बता दिया गया कि एक दिन पहले 5 दिसंबर को 5 बजे सब वेदांती आश्रम देवराम दास, महंत देवराम दास जी के यहाँ सब आ जाएंगे। उन दिनों वो शिव सैनिकों का अड्डा भी हुआ करता था, वो साहब दीन बाटिका, कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ वो नायक मंदिर, ये सब शिवसेना के लोगों का स्थान माना जाता था। तो सब 5 दिसंबर की तैयारी चल रही थी। इसी बीच मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई, हम लोगों के प्रणेता अगुआ भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आ गए, हमारे घर सीधे चले आए। वैसे तो वो सर्किट हाउस में रुकते थे तो वहाँ अपने चपरासी गनर ओएसडी किसी भेज को बुलवाते थे, पर उस दिन सीधे वो चले आए। कोई स्टाफ का एक गनर ड्राइवर छोड़ कुछ नहीं था, मैं घर पे ही बैठा था और तब फोन फान के इतने संसाधन नहीं थे, तो वो खुद आए, उन्हें देख भाई मन प्रसन्न हो गया, बैठने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा नहीं, पूरे आंदोलन के प्रणेता थे, लोग उनको नारद जी कहते थे, कोई वो ब्रह्मचारी जी कहते थे, बड़े दिव्य संत थे। वो कौन थे भगवान जाने, पर वो सरयू तट पर ही मिलते, अपना कोई अता पता नहीं, कोई रहने का स्थान नहीं, और जब भी किसी काम के लिए पैसे देते तो करेंसी नोट देते थे, एकदम लगता था अभी भी जैसे अभी बैंक से निकला हो, करेंसी नोट होती थी, हाथ पीछे ले जाते, ये 10,000 रुपये रखो, इसका ये मंगवा लेना, वो मंगवा लेना, ये काम वो काम बताते चले जाते। और बहुत सुंदर थे, 86 से लेकर और 2019 तक मैंने उनको एक ही रूप में देखा, वो इतने दिव्य थे, वो कौन थे भगवान जाने कौन थे। तो उन्होंने ही प्रेरणा दी कि 5,000 लोगों की टीम बनाओ, अन्यथा रोज गोली लाठी खाओगे और धीरे धीरे सब मिट जाओगे। तो 5,000 लोगों को बनाने के लिए कोई एक रास्ता चाहिए। मैं उन दिनों शिवसेना का पूर्वांचल का प्रमुख था, तो ये था कि जो शिवसेना के बहुत सारे लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, एक बलिदानी जत्था तैयार किया जाए। तो ऐसे लोगों को तैयार किया जाने लगा, फार्म बनवाया गया, उस पर लिखा था कि क्या आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, यदि हाँ तो बाबरी मस्जिद ढहानी पड़ेगी, यदि ढहाएंगे तो जान भी जाएगी, यदि हाँ तो रक्त से हस्ताक्षर करिए या अंगूठा लगाइए। तो इसको लोग पढ़ते और खुशी से, और जो डरपोक लोग होते थे वो कहते थे अरे साहब इसकी क्या जरूरत, हम भी तो राम भक्त हैं। लेकिन जो काम करने वाले होते थे वो तुरंत घर में जाते, ब्लेड लाते, छुरा लाते, जो लाते अंगूठा फाड़ देते और हस्ताक्षर करने के बजाय सीधे अंगूठा लगा देते थे। तो इस तरह 5,000 फॉर्म भरे गए और 1.5 साल लगा, लगभग नियर अबाउट 1.5 साल इसमें लगे। 1.5 साल बाद जब ये सब पूर्ण हो गया तो महाराज जी से मैंने कहा, महाराज जी ये कार्य तो पूर्ण हो चुका है, अब ढांचे को तोड़ने के लिए इतने लोग जब आएंगे तो उनको शस्त्र चाहिए, कैसे तोड़ेंगे हम, आखिर तो कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा, बेटा उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, जय प्रभु कीन शेर ते दूना उनके भवन अभय का सुना, जिन्होंने इतना बड़ा काम तुमसे करवा लिया वो उतना बड़ा ही काम करा देंगे, तुम्हारे पास एक आदमी आएगा वो सब तुम्हें उपलब्ध करा देगा, किसी से मिलाएगा वो सब हो जाएगा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी
6 दिसंबर को अयोध्या में प्रस्तावित कार सेवा होगी। अशोक सिंघल जी कभी दिल्ली से, कभी लखनऊ से, तो कभी अयोध्या से, कभी मथुरा से, बराबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाता सम्मेलन में कहते थे अब 6 दिसंबर को आर पार की लड़ाई होगी। हम लोगों को यही चाहिए था कि ये घोषणा करें तो हम अपना काम आरम्भ करें। हाँ, उन्होंने घोषणा की, हम लोगों ने वो 15 बजे का पोस्ट कार्ड आता था उस पर चिट्ठी लिखी, 5000 सभी लोगों के एड्रेस थे, उनको चिट्ठी पहुंच गई, सबको बता दिया गया कि एक दिन पहले 5 दिसंबर को 5 बजे सब वेदांति आश्रम देवराम दास, महंत देवराम दास जी के यहाँ सब आ जाएंगे। उन दिनों वो शिवसैनिकों का अड्डा भी हुआ करता था, वो साहब दीन बाटिका, कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ नायक मंदिर, ये सब शिवसेना के लोगों का स्थान माना जाता था। तो सब 5 दिसंबर की तैयारी चल रही थी। इसी बीच मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई, हम लोगों के प्रणेता अगुआ भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी आ गए, हमारे घर सीधे चले आए। वैसे तो वो सर्किट हाउस में रुकते थे तो वहाँ अपने चपरासी गनर ओएसडी किसी भेज को बुलवाते थे, पर उस दिन सीधे वो चले आए। कोई स्टाफ का एक गनर ड्राइवर छोड़ कुछ नहीं था, मैं घर पे ही बैठा था और तब फोन फान के इतने संसाधन नहीं थे, तो वो खुद आए, उन्हें देख भाई मन प्रसन्न हो गया, बैठने का आग्रह किया तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठाओ नहीं, अरे राम मंदिर के लिए कुछ होगा, रामलला के लिए कुछ करोगे, चलिए योजना बनेगी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी उस समय किस दल से विधायक थे? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में वो 4 बड़े चेहरे थे, कल्याण सिंह तत्कालीन विधायक थे कि नहीं? वो राजस्व मंत्री थे यहाँ के और यहाँ के वो प्रभारी मंत्री थे जनपद अयोध्या के। तो उन्होंने कहा कि तोड़ना है तो चलो हम सामान दिलाते हैं। नगर भैया चलिए, अजो हमको इसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए हमको मुलायम सिंह बुलाते हैं, वहां चले जाते हैं, हमारा काम राम जन्मभूमि को मुक्त कराना था, हमको वो वामपंथी भी बुलाते हैं, कहते मैं आपको गायती और तलवारें और सब बल दे रहा हूँ, ढांचा तोड़ी, मैं उनके साथ चला जाता। तो ये हमारा जो उद्देश्य था वो ढांचा तोड़ना था, राम जन्मभूमि को मुक्त कराना था, कोई राजनीतिक उद्देश्य न था। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ में चल पड़ा और हम लोग जा पहुंचे लखनऊ, रात्रि में रुके और रात में कुछ देर हमारी उनकी वार्ता होती रही। फिर उन्होंने सुबह कहा कि पंडित जी जल्दी से तैयार हो जाना, मैं तो मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वो जैसे घोड़ा बेच के सोते हैं वो चटाई पर नीचे सो रहे थे, वो सो रहे थे मस्ती पर, मुझे तो केवल एक चीज याद आ रहा था कि हथौड़े मिल जाए, संबल मिल जाए, गैती मिल जाए, तभी ये ढांचा टूटेगा, तभी हम ये सब कर पाएंगे, क्योंकि 5000 लोग आएंगे कैसे तोड़ेंगे। मैं इस वहां को में उधेड़बुन में मैं राजस्व मंत्री थे यहाँ और यहाँ के वो प्रभारी मंत्री थे जनपद अयोध्या के। तो उन्होंने कहा कि तोड़ना है तो चलो हम सामान दिलाते हैं। नगर भैया चलिए, अजो हमको इसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए हमको मुलायम सिंह बुलाते हैं, वहां चले जाते हैं, हमारा काम राम जन्मभूमि को मुक्त कराना था, हमको वो वामपंथी भी बुलाते हैं, कहते मैं आपको गायती और तलवारें और सब बल दे रहा हूँ, ढांचा तोड़ी, मैं उनके साथ चला जाता। तो ये हमारा जो उद्देश्य था वो ढांचा तोड़ना था, राम जन्मभूमि को मुक्त कराना था, कोई राजनीतिक उद्देश्य न था। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी के साथ में चल पड़ा और हम लोग जा पहुंचे लखनऊ, रात्रि में रुके और रात में कुछ देर हमारी उनकी वार्ता होती रही। फिर उन्होंने सुबह कहा कि पंडित जी जल्दी से तैयार हो जाना, मैं तो मुझे तो नींद आ नहीं रही थी, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और वो जैसे घोड़ा बेच के सोते हैं वो चटाई पर नीचे सो रहे थे, वो सो रहे थे मस्ती पर, मुझे तो केवल एक चीज याद आ रहा था कि हथौड़े मिल जाए, संबल मिल जाए, गैती मिल जाए, तभी ये ढांचा टूटेगा, तभी हम ये सब कर पाएंगे, क्योंकि 5000 लोग आएंगे कैसे तोड़ेंगे। मैं इस वहां को में उधेड़बुन में
मैं पूरी रात, यूं समझ लीजिए कि वो करवट बदलने वाला शब्द होता है, नहीं करवटें बदल बदल कर, पर नींद नहीं आ रही थी। तो सुबह वो जागे 4-4.5 बजे, उन्होंने कहा तैयार हो जाओ चलना है, ठीक है। फिर जल्दी से हम लोग तैयार हुए और निकल पड़े। तो मैंने उनसे एक बार पूछने की कोशिश की, सम्मान में अधिक करता था इसलिए मैं बहुत बोला नहीं, इतने पूछा किधर चलना है। बोले मैं आपको ऐसे आदमी से मिलाऊंगा कि आपका सारा काम हो जाएगा। गाड़ी चलती रही, वो एम्बेसडर से, यहां से तो जिप्सिस गए थे, वहां से एम्बेसडर से गए। और फिर रास्ते में एक दीक्षित जी हैं, गजरौला है कोई स्थान था, याद नहीं है ठीक से, वहां हम लोग रुके और वहां भोजन किया गया। इनको गुड़ की चाय पीते थे, तो वहां गुड़ की चाय पी गई। और दीक्षित जी से उन्होंने कहा लौटते समय तेरे यहाँ फिर बाजरे की रोटियां खाऊंगा, बनवा के रखना तू। हम लोग चले चले चल पड़े। अब 2-3 घंटे बाद वो दिल्ली हम लोग पहुंच रहे थे। तो मेरे मन में आप पूछूं कि दिल्ली आने का क्या उद्देश्य है, पर विषय तो एक ही था कि बड़े भाई के साथ जा रहे हैं, ये जो करेंगे वो हमारे और हमारे समाज के हित में होगा। कुछ देर बाद, आधे पौन घंटे बाद, गाड़ी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रही थी। तो भले ही मैं उम्र कम थी, पर इतना तो अंजाम भी नहीं था, दिल्ली तो मैं कई बार आया गया, चूंकि गया आया था तो जानकारी भी थी। तो जो बैरियर पर गाड़ी रुकती, वो कान में कुछ बोलते, इनका नंबर देखते और गाड़ी आगे बढ़ जाती। इस तरह सभी पार करते हुए प्रधानमंत्री आवास में गाड़ी प्रवेश कर गई। तो आश्चर्य भी हो रहा था, प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पीवी नरसिम्हा राव साहब उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके अंदर गए तो एक परिचय कराया गया, ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं मुचकुंद दुबे। ब्रह्मदत्त जी ने उनके पैर छुए, मैंने भी छुआ। तो बैठे काफी देर बाद, फिर देश का प्रधानमंत्री सामने हो तो अजूबा सा होता है, जिसको मिलने के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ती है, मिल नहीं पाते हैं, वो मेरे सामने सहजता से। तो ब्रह्मदत्त जी ने भी पैर छुए तो मैंने भी पैर छुआ और फिर मेरा परिचय कराया। बोले ये तो बहुत दुबला पतला है। तो इंग्लिश में उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि साहब हिज डायनेमिक पर्सनालिटी, इन सब कुछ शब्दों का प्रयोग किया। बहुत मेरा दिमाग तो हथौड़े में लगा था। और मुझसे तो प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री से मेरे से क्या लेना देना, मेरे दिमाग में तो हथौड़ा, घन तलवारें और बाबरी मस्जिद दिख रही थी, मुझे तो रामलीला दिख रहे थे। हाँ, भूखे को तो भोजन चाहिए ना, हमको तो वो चाहिए था। लेकिन सम्मान पूर्वक बैठे, चाय पानी हुआ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कैसे गिरा पाओगे। तो मैंने बताया कि 1000 तलवारें, 1000 त्रिशूल, 1000 गैती, 1000 सब्बल, 1000 हथौड़े घन। वो घन अभी आपने देखा ना, इस तरह से ये है घन, दिखाते हैं। ये वो घन है जो बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस में तत्कालीन शिवसेना के कार्यकर्ताओं या कह सकते हैं कारसेवकों के द्वारा प्रयोग किया गया था। ये आप देख लीजिए, काफी भारी है। जी, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको मिल जाएगा, लेकिन कैसे क्या करेंगे। हमने कहा तलवार, उन्होंने पूछा तलवार क्या करेंगे इसमें। तो मैंने कहा तलवार से जो अपने लोग हैं उनको डराएंगे, घट जाएं, रोकने वाले होंगे। ज्यादा उम्मीद है कि आरएसएस के लोग वहां पहरा देंगे, वो जाने नहीं देंगे, तो उनको डराएंगे तो वो हट जाएंगे। और त्रिशूल इसलिए है कि कैमरामैन जो फोटो खींचकर हिंदुओं को उग्रवादी और ये सब बोलते हैं, कैमरे सब तोड़ दिए जाएंगे। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस वाले वहां पर बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस को रोकते। हाँ, रुक ही रहे थे, रोक रहे थे। हाँ, रुक ही रहे थे, वो हम लोगों का अनुमान से रोकने वाले होंगे। ज्यादा उम्मीद है कि आरएसएस के लोग वहां पहरा देंगे, वो जाने नहीं देंगे, तो उनको डराएंगे तो वो हट जाएंगे। और त्रिशूल इसलिए है कि कैमरामैन जो फोटो खींचकर हिंदुओं को उग्रवादी और ये सब बोलते हैं, कैमरे सब तोड़ दिए जाएंगे। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि आरएसएस वाले वहां पर बाबरी मस्जिद ढांचे के विध्वंस को रोकते। हाँ, रुक ही रहे थे, रोक रहे थे। हाँ, रुक ही रहे थे, वो हम लोगों का अनुमान सही था, ब्रह्मदत्त जी ने भी बताया था। और संघ के एक बड़े नेता हम लोगों के संपर्क में थे, आज भी है वो।
अब तो बहुत एजेड हो गए हैं, बहुत अच्छे संत व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये जो संघ के स्वयं सेवक है बड़े सीधे साधे होते हैं, इनको ड्यूटी पे लगा दिया जाता है, ये बेचारे कबूतर की तरह वहां खड़े रहेंगे, इनको क्षति मत पहुंचाना क्योंकि तुम भी पूर्व में स्वयं सेवक रहे हो, तो तलवार से डरा देना पर मानना नहीं किसी को, भाई अपने ही है सब। तो ये जब योजना हमने बताई तो प्रधानमंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है गुड आइडिया। तो हमने कहा सब बल से नीचे नीचे खोद डालेंगे और गैती से ऊपर के हिस्से को, घन से ऊपर के हिस्से को और एकदम ऊपरी सतह को हम गैती से तोड़ेंगे। तो वो समझ गए, उन्होंने कहा हाँ। तो ब्रह्मदत्त जी से कहा कि बहुत काम के हैं ये सब, ये तोड़ ले जाएंगे, मुझे विश्वास हो गया है ये नक्सलाइट टाइप के आदमी है। तो उन्होंने हमको एक पैकेट दिया, लिफाफा बंद, मैंने रख लिया और मुझे एक नंबर दिया, बोले कोई जरूरत बीच में पड़ती है तो अपना नाम बताना SDA, कुछ और मत बोलना, SD बोल रहा हूँ, तो आपका फोन रिसीव होगा, मुझसे बात हो जाएगी, जो आप चाहेंगे और मिल जाएगा। ये बातें आई गई हो गई। मैं रास्ते में सोचता था कि इस लिफाफे में क्या हो सकता है, मैं यहाँ तो हथौड़ा मांगने आया था, खोल के आपने देखा नहीं, अब मैंने देखा तो था नहीं, अब ये कागज क्या दे दिया इन्होंने, हमको लगा इसमें कोई मैप वैप होगा राम जन्मभूमि का, ऐसा मेरे मन में प्रतीत हो रहा था, कोई नक्शा वगैरह इन्होंने दिया होगा। पर जब हम लोग पुनः दीक्षित जी के ढाबे पर लौट कर आए तो मैं शौचालय के बहाने गया, तो मैंने जब लिफाफा खोला तो उसमें 50,000 रुपयों की गड्डी थी। तो मैंने कहा आप ये हमें कुछ दे न दे, हम ढांचा ढा देंगे तो हमारे काम भर की रुपया मिल गई है, हम खरीद लेंगे। मैं बहुत खुश हो गया कि हमारा काम हो गया। और उसके बाद हम चले आए, लेकिन ब्रह्मदत्त जी के जिम्मे उन्होंने लगाया था कि आप इनको ये सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। तो उन्होंने कहा कानपुर में सब हमारे मिलने जुलने वाले हैं, उनकी फैक्ट्री है, वो सब हमको उपलब्ध करा देंगे। खैर 3 या 4 दिसंबर को सब हमें उपलब्ध करा दिया गया। और जब सारी चीजें, लक्ष्मण सिंह एक ड्राइवर था, वो ऑटो ड्राइवर था, लेकिन वो बड़ा एक टेम्पो होता था, उसे लोग गणेश जी कहते थे, पुराना वाला टेम्पो, उसमें भर के लाए और कहाँ देना है, तो मैंने बताया आगे, तो लेके आए यहाँ अयोध्या, देवराम दास जी के यहाँ रखवा दिया गया। और फिर 5 दिसंबर को जब सब इकट्ठा हुए तो सबके जिम्मे, और वो 17 टीमें बनाई गई, वो महाराज जी ब्रह्मचारी जी फिर आए। एक टीम में कितने लोग थे? 350, 300, 250, लगभग 1,000 महिलाएं थी, 4,000 पुरुष थे। महिलाओं का रोल रस्सा लेकर चलने का था, उसका नेतृत्व कर रही थी, एक में सावित्री सिंह थी, पूरा वही होल्ड था सावित्री सिंह का, एक मंजू, सावित्री पाठक और मंजू सिंह, सब अभी आज ही पता लगा कि सावित्री पाठक का निधन हो गया और मंजू सिंह भी चली गई दुनिया से, ये लोग बेचारे नहीं देख सके। तो महिलाओं का नेतृत्व ये लोग कर रहे थे, बाकी 17 टीमों का नेतृत्व आजमगढ़ के एक CP सिंह है वो कर रहे थे, देवरिया के दिग्विजय चौबे जी, बस्ती के ओम प्रकाश शुक्ला जी थे, और बस्ती के ही 2-3 और लोग, कृष्ण पांडे जी थे, संजय कन्नौजिया और वशिष्ठ गोयल, इस तरह से सब 17 टीमों को एक एक नेतृत्व प्रदान था। एक का मैं स्वयं कर रहा था, जो आगे मुख्य द्वार पर था, हमारे साथ कुछ यहाँ के लोग थे, ज्यादातर लोग बाहरी थे। तो ये तय हुआ कि 11 बजे के आसपास हम लोग एक साथ आक्रमण करेंगे, कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का नारा। दुर्गा पहलवान के जिम्मे था, वो गुरु हनुमान दिल्ली के जो थे उन्हीं शिष्य थे, बहुत बुलंद आवाज थी, वो आवाज लगाएंगे। फिर भीष्म तिवारी थे सिद्धार्थ नगर के, वो उनको सहयोग करेंगे और फिर आवाज 17 टीमों को मिल जाएगी। 5 लोग जनौरा के लोग थे, इनके जिम्मे लगाया गया था कि मंच पर जो लोग भाषणबाजी कर रहे हैं इन भाषण वीरों का तार काट दिया जाए। तो और ढांचे पर चढ़ने वाले चढ़ेंगे, लेकिन कांटा 50 बनवाया गया था भदरसा में, वो लाए थे, उसको उस पर फेंका जाएगा गुंबद पर, वो अटक जाएगा और हम लोग चढ़ जाएंगे। वो सब वैसा ही हुआ, उसमें ADM रामलला उमेश तिवारी थे, वो मुझे पूर्व से जानते थे,
और उन्होंने रोकने की कोशिश की। अयोध्या के एक पहलवान बाबा भी थे हनुमानगढ़ी के, सोटा लेकर नहीं जाने का, जैसे ही तलवार म्यान से बाहर हुई बाबा भाग खड़े हुए, उमेश तिवारी जी भी भाग गए, सब भगदड़ मच गए और हम लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नाचे पर चढ़ गए। अब उस दिन हमारे पिताजी भी रोते तो हम लोग उनकी भी बात न मानते, वैसी परिस्थितियां न थी क्योंकि हम तो राम काज के लिए पैदा हुए थे ना, परिस्थितियां न थी क्योंकि हम तो राम काज के लिए पैदा हुए थे ना, वो काम करना था मरते नहीं। इन सब कार्यों के बीच हाँ वो दौर आप बताइए जो बाबरी विध्वंस के लिए आपको प्रेरित कर गया। चर्चा है कि बाला साहब जी का एक पत्र, हाँ, ऐसी कोई चर्चा है? बाला साहब का पत्र आया था मेरे पास जी, एक सुधीर कोतरे ऐसे कुछ नाम करके था, वो ध्यान से नहीं आ रहा है कि वहाँ के नाम अजब होते हैं, सुधीर तक तो मुझे याद है, उसके बाद सालवे था, कुतरे था, कुपरे था, ये तो नहीं मालूम है, पर वही लेकर आए तो वो वहाँ के आमदार थे, वहाँ शायद आमदारों को विधायक कहते हैं, वो लेकर आए थे और उन्होंने कहा बाला साहब का ये पत्र है और ये शायद 21 या 22 तारीख को अक्टूबर था, जब अडवाणी जी उसी के बाद गिरफ्तार हुए हैं, ये 90 की बात है, हाँ 90 की, तो उन्होंने ये पत्र दिया, मैंने पढ़ा तो हमारे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये धन्यता थी कि बाला साहब ने अपने हाथ से लिखा हो। प्रिय संतोष दुबे जी, श्री राम जन्मभूमि मुक्त हो, आपको ऐसी शुभकामनाओं सहित, इन शब्दों का प्रयोग मेरे लिए बड़े गौरव की अनुभूति कराता था, मतलब सदा खुश रहो ये सब ना लिख करके, श्री राम जन्मभूमि मुक्त हो इन शुभकामनाओं के साथ, तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। और फिर जो उसको हमने पढ़ा, उन्होंने लिखा था कि मोरेश्वर सावे और सतीश प्रधान के नेतृत्व में 9-10 हजार शिव सैनिकों का जत्था जा रहा है, जो मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश के सतना या कटनी किसी जिले का नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है, कि वहां तक ये लोग ट्रेन से जाएंगे, फिर वहीं से ये लोग उसे छोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है, इसलिए आपको ये लोग अयोध्या जनपद की सीमा के बाहर दूसरा जिला कुश भवनपुर लिख करके, उन्होंने कुश भवनपुर सुल्तानपुर, आज का सुल्तानपुर, जो वहां आपको रामगंज रेलवे स्टेशन के पास ये लोग, इन लोगों का जत्था रात में 6-7 बजे निकलने वाला होगा, तो आप पहुंच जाइएगा, इनको रिसीव कीजिएगा। तो मैं वहां अपने, हमारे साथी थे मिथिलेश सिंह, शिवसेना के जिला प्रमुख थे वहां कुश भवनपुर, मतलब सुल्तानपुर के, थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, हाँ, तो उनके साथ में गया और उन सब लोगों को लेकर अलग अलग पड़ावों से होता हुआ 29 अक्टूबर को मैं अयोध्या ले आया। अयोध्या के किनारे माझा में गन्ना के खेतों में और अमरूद के बाग में उनको रुकने की व्यवस्था कर दी गई कि अब सुबह हम लोगों को 9 बजे 9 बजे हमें राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए ढांचे पर हमला करना है। तो वहां से लोग 9 बजे निकल पड़े। उस बार ढांचा ढा नहीं था, नहीं भगवा फहराए थे, हाँ यही दुख था कि हम लोग तोड़ नहीं पाए, ढांचे पर चढ़कर जैसे कोई 100 की गिनती वाले 99 तक पहुंच जाए और सर्व दंश उसे हो जाए और नीचे चला जाए 0 पर, ऐसी परिस्थितियां। ये बताइए, आपने बताया कि ये ढांचा ढाने की प्रक्रिया एक तो 90 में की गई, हाँ, जिसमें ढांचा ढाने में आप लोग असफल रहे, हाँ, बहुत दुख हुआ, केवल भगवा फहरा के वापस होना, हाँ, जी। फिर 2 नवंबर को, हाँ, 90 में ही, दो दिन बाद हाँ, आप लोगों ने फिर प्रयास किया, हाँ, जिसके बाद गोलीबारी हुई जी, जिसमें आपको 4 गोली भी लगी जी, आप बुरी तरीके घायल हुए जी, कई लोग और घायल हुए, हाँ, हाँ, कोठारी बंधुओं से आपकी मुलाकात भी उसी दौरान, ढांचे पर 30 अक्टूबर को ही, अच्छा 30 अक्टूबर, बहादुरी देख करके मन प्रसन्न हो गया और परिचय पूछ लिया, फिर वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का वादा करके हमारे साथ ही उतर आए। अच्छा, जब ये ढांचा ढहा है, हाँ, 92 की बात है, हाँ जी, तो 92 में आप लोगों के द्वारा ही ढांचा ढहाया गया, हाँ बिल्कुल जी, हाँ, किसी को पता नहीं था साहब क्या होने वाला है, गुप्त योजना थी, गुप्त योजना थी, अगर बताते तो गिरा पाते नेताजी लोगों के मारे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पूरा श्रेय ढांचा विध्वंस का, हाँ, आपके माध्यम से लोगों को एकत्रित करना जी, करके जी, बाला साहेब का वो पत्र जी सबसे प्रेरणादायी था, सबसे प्रेरणादायी आपके लिए साबित हुआ जी। तो
तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा नारा दिया गया जी। हाँ, नारा देते थे ना, अभी जिसकी भुजान फड़की खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल। लेकिन लेकिन बाबरी ढांचे विध्वंस में जी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद या भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा? राजनीतिक रोल था, पूर्ण राजनीतिक रोल था, पर जगाया तो उन्होंने ही, परंतु जगाया उन्होंने, जागृत करने का, जागृत काम उन्होंने किया। हम वो धन्यवाद के पात्र हैं। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और इनका क्या रोल था उस समय? देखिए, पीवी नरसिम्हा राव ने कह दिया था कि एक भी गोली नहीं चलेगी, वहां फोर्स जाएगी भी नहीं, जाएगी तो कुछ करेगी नहीं, आप लोग निश्चिंत होकर। अच्छा, आपसे खुद कहा था व्यक्तिगत? देखिए, हाँ, 50,000 रूपये का सहयोग भी किया था, बाद में मेरे घायल होने के बाद भी उन्होंने 1.5-2 लाख रूपये भेजा था। हाँ, जानकारी उन्होंने की थी, तो ब्रह्मदत्त जी के माध्यम से वो मेरे दवा के लिए सब इंतजाम हुआ था, तो उन्होंने ये काम किया था, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।